नमस्कार दोस्तों, मैं कितनी भी खूबसूरत लोकेशन पर बैठा हूँ, कितनी भी हसीन वादियों में मैं बैठकर आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे चेहरे पर अगर ये मास्क लगा हुआ है तो सब कुछ बहुत बदसूरत नज़र आता है। ऐसा ही मास्क लगाकर एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर पोस्ट की प्रियंका चोपड़ा ने वो तस्वीर पोस्ट की और उसमें उन्होंने जिक्र किया दिल्ली का। दरअसल प्रियंका चोपड़ा इन दिनों दिल्ली में है और अपनी वेब सीरीज द वाइट टारगेट टाइगर के लिए शूटिंग कर रही हैं। ये तस्वीर सभी अखबारों में छपी और प्रियंका चोपड़ा ने इस तस्वीर में ये लिखा था कि मैं इस तस्वीर को पोस्ट तो कर रही हूँ और ये मास्क लगा के काम कर रही हूँ, लेकिन मुझे चिंता उन लोगों की है जो दिल्ली में 12 महीने इसी प्रदूषण के बीच में रह रहे हैं, मुझे इनके स्वास्थ्य की चिंता है। और उनकी, प्रियंका चोपड़ा की, कुछ लोगों ने उन्हें ट्रोल किया, उनकी आलोचना की। सेलिब्रिटीज़ के लोग पीछे पड़ ही जाते हैं, ऐसा ही प्रियंका चोपड़ा के साथ भी हुआ। लेकिन प्रियंका चोपड़ा ने गलत क्या क्या है, देखिए मैं कितना बेकार लग रहा हूँ आपसे ये मास्क लगाकर बात करते हुए, इस मास्क को उतार देता हूँ। दरअसल हमारे देश में प्रदूषण की समस्या ने पिछले कुछ सालों में विकराल रूप धारण किया है और प्रदूषण देश के सभी हिस्सों में है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली NCR में ही है, लेकिन दिल्ली NCR से लगता हुआ इलाका हरियाणा और पंजाब स्टेट्स का जो है, वहाँ पे हर साल जो पराली जलाई जाती है दीपावली के आसपास, उसकी वजह से यहाँ इतना प्रदूषण हो जाता है, इतनी यहाँ पर गंदगी फैल जाती है कि जो पटाखों का प्रदूषण है वो भी ऊपर नहीं जा पाता है। ये जो पोल्यूशन है ये दिल्ली के आसपास के इलाकों में जो होता है ये इस पराली की वजह से होता है और इस पराली का जो प्रदूषण है वो अभी पिछले कुछ सालों से ज़्यादा होने लगा है, इसकी वजह है। दोस्तों पहले जो ये चावल की खेती होती थी और पराली काटी जाती थी तो वो जड़ से काटी जाती थी और लगभग 2-3 फीट के ऊपर उसमें बाली होती थी, फिर बाली को झाड़ के अलग किया जाता था और पूरी पुआली उसकी अलग कर दी जाती थी, तो उस पुआली का इस्तेमाल होता था। ये पुआली दोस्तों काम में आती थी गत्ता फैक्ट्रियों में और छप्पर बनाने में और बहुत से काम में आती थी, लेकिन जब से मशीनों से ये कटिंग की जानी लगी है तो मशीन चावल तो निकाल देती है लेकिन बाकी पुआली के इतने टुकड़े कर उसे खेत में फेंक देती है कि उसका कोई यूज ही नहीं हो पाता है। इसी वजह से जो बड़े किसान हैं जिनके 1000 बीघे 500 बीघे के रूट हैं, खेत हैं, वो उन्हें खेतों में ही जलाते हैं क्योंकि उसकी लेबर कॉस्ट बहुत बैठ जाती है। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है। सरकार सब्सिडी देने की बात कर रही है लेकिन इस पर सब्सिडी अब तक दी नहीं गई है। तो दोस्तों दिल्ली में प्रदूषण तो बहुत बढ़ ही रहा है, आसपास के इलाकों में प्रदूषण बढ़ा, लेकिन प्रदूषण पर नियंत्रण के सरकारी प्रयास बिल्कुल जीरो नज़र आ रहे हैं। देखिए मैं चीन की बात करता हूँ, दिल्ली में पता नहीं कब उससे निजात मिलेगी। चीन की मैं बात आपको बताता हूँ, वहाँ पे भी 6-7 साल पहले ऐसी समस्या हुई थी लेकिन उन्होंने तेज़ी से उस पर रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने सारी प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को बंद कराया, पुराने वाहनों को बंद कराया गया, इसके अलावा जहाँ जिन नदी नालों और पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्रियों से प्रदूषण होता था उन्हें कवर कर दिया गया। आप यकीन नहीं करेंगे कि एक प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्री थी जिसमें से बहुत बदबू आती थी, उसकी बदबू जब बंद होने के बाद भी नियंत्रित नहीं हो पाई तो उसके ऊपर एक पॉलिएस्टर की चादर ढक दी गई। इसके अलावा चीन के एक शहर में 330 फीट ऊंची एक वो बना दी गई टावर जो दिन भर एयर प्यूरीफायर का काम करती है और सारे एयर को प्यूरीफायर करती है, 10-10 किलोमीटर तक की हवा को उसने प्यूरीफाई कर दिया। इसके अलावा विंड कॉरिडोर बनाए गए फ्रेश हवा के लिए, हर इलाके में बाज़ारों में मशीनें लगाई गई एयर पोल्यूशन कम करने की, तमाम प्रयास किए गए और इन सब प्रयासों का परिणाम है कि वहाँ 60% तक पोल्यूशन कम हो गया है। क्या हमारी सरकार ऐसी नहीं कर सकती? हम टैक्स का जो पैसा देते हैं उन्हें क्या यूं ही बर्बाद करती रहेगी सरकार? हमारे काम नहीं लाएगी, हम और आप इसी तरह से मरते रहेंगे? दिल्ली का जो, दिल्ली में लोग रहते हैं, जो दिल्ली देश का धड़कन है, देश की राजधानी है, वहाँ पे अगर पोल्यूशन होगा तो पूरी दुनिया में बड़ी शर्म की स्थिति होगी। अब आप ऑड इवन चला लें, कुछ भी करा लें, लेकिन जब तक बड़े लेवल पर इस पर प्रयास नहीं होंगे, जब तक किसानों को पराली जलाने से नहीं रोका जाएगा, सुप्रीम कोर्ट भी इस पर रोज चिंता जता रही है, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं किसानों पर, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। किसान फिर भी लगातार पराली जला रहे हैं क्योंकि उनके खेत में पड़ी पराली को उठाने की कोई व्यवस्था नहीं है, उसका कंजम्पशन कहीं नहीं है। किसाने से अगर वो फैक्ट्रियाँ खरीदने लगे उस पराली को तो बहुत कुछ समाधान हो सकता है। दोस्तों मेरा सिर्फ यही एक मैसेज देने का एक तरीका है
कि मैं किसी तरह से आवाज़ हमारी, हालांकि अब सब लोग हंगामा कर रहे हैं, सारा मीडिया हंगामा कर रहा है कि प्रदूषण से दिल्ली को मुक्त कराया जाए, लेकिन कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। जब चीन कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमें इस बारे में सोचना होगा और चीन की तरह बड़े पैमाने पर मेजर करने होंगे और ये तय करना होगा कि इस साल जो हुआ सो हुआ, अगले साल ये ना होने पाए। देखते रहिए अर्श की बात लाई। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।